आज मैंने पढ़ाया है बेसिक इलेक्ट्रिक यानी कि प्रारंभिक विद्युत, इसके बारे में लिखवाया है मैंने परिचय लिखवाया है। इसके बाद इसमें प्रधान क्या टॉपिक है, ठोस तरल और गैस है, अणु है, परमाणु है, तत्व यौगिक और मिश्रण, इसके बारे में मैंने लिखवा दिया है। इसमें परिचय में बताया गया है कि एवं विद्युत धारा का अध्ययन प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम परमाणु संरचना और इलेक्ट्रॉन के विषय में अध्ययन करना आवश्यक है, और इलेक्ट्रॉन प्राकृतिक का वह मूल कण है जो विद्युत धारा के प्रवाह एवं सभी प्रकार की इलेक्ट्रिक प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। ये सब क्या परिचय में है, बेसिक इलेक्ट्रिक का परिचय। आइए दोस्तों जानते हैं पदार्थ क्या है। पदार्थ किसे कहते हैं, जिसे कोई निश्चित भार होता है और जो स्थान घेरता है, मतलब कि किसी भी वस्तु में क्या होता है, पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें भार होता है और निश्चित क्या होता है, स्थान क्या होता है, घेरता है, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी पर पदार्थ तीन रूपों में पाया जाता है, हमारी पृथ्वी पर पदार्थ कितने रूपों में पाया जाता है, तीन रूपों में, जिसे बोलते हैं ठोस, द्रव और गैस। ठोस के बारे में लिखवाया है, ठोस किसे कहते हैं, जिसका निश्चित भार, आयतन व आकार होता है और वह ठोस कहलाता है। जिसका निश्चित आयतन, भार व आकार होता है वो क्या होता है, ठोस कहलाता है। जैसे कोई वस्तु है उसका क्या होता है कि आयतन भी होता है, वजन भी होता है, और जो उसका भार जो होता है वो भी होता है, वजन क्या होता है कि ठोस कहलाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ठोस में कौन कौन सा वस्तु आ जाती है, जैसे आप लोग जानते हैं कि सोना हो गया वो ठोस में आता है, लोहा भी ठोस में आता है, कोयला भी ठोस में आता है, ये सब क्या है, ठोस है। आइए दोस्तों हम जानते हैं कि द्रव किसे कहते हैं। द्रव उसे कहते हैं कि जिसका निश्चित भार वो आकार तो होता है, यानी कि निश्चित भार और आकार होता है, परंतु निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे आयतन भार होगा लेकिन वो क्या होगा, आकार नहीं होगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि जल होता है, जल में क्या होता है, भार और क्या होता है, उसका भार होता है, वजन होता है, लेकिन वो आकार नहीं होता। जल हम लोग क्या करते हैं, अगर जमीन फर्श पर फेंक देते हैं तो उसका आकार ले लेता है, एक डिब्बा में हम लोग डालेंगे तो उसका आकार ले लेगा, और वो मतलब डिब्बा में डालेंगे और टॉप में डालेंगे तो उसका क्या होता है, उसका आकार लेगा, लेकिन उसका निश्चित कोई आकार नहीं होता है। कहते हैं द्रव्य, कहते हैं एग्जाम्पल में हम लोग जानते हैं कि जल हो गया, पारा हो गया, गंधक हो गया, और में इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, द्रव्य होते हैं। आइए गैस के बारे में जानते हैं, गैस किसे कहते हैं। मैंने इसको गैस के बारे में लिखवा दिया है, गैस होता है जिसका निश्चित भार तो होता है परंतु निश्चित आयतन व आकार नहीं होता है, जिस पात्र में भरा जाता है उसी का आकार और आकार ग्रहण कर लेता है, वो गैस कहलाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि गैस को एलपीजी भी क्या होता है, वो भी गैस है, O2 क्या है, गैस है, और हाइड्रोजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, गैस होता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि एलपीजी में क्या होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है, और एलपीजी में भरा जाए तो उसका आकार ले लेता है। ऑक्सीजन का जो हम लोग का सिलेंडर होता है उसमें भी एयर को भरेंगे तो उसका आकार ले लेगा। वायु का जो होता है उसका कोई आकार नहीं होता है, पूरा हम लोग वायुमंडल में जितने भी आकार एयर आते हैं वो सब क्या होते हैं कि वायुमंडल में मिश्रित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उनका निश्चित कोई आकार नहीं होता है। जैसे हम कोई भी स्थान या किसी वस्तु में रखेंगे तो वो क्या होगा, उसका आकार घेर लेता है, उसे गैस कहते हैं। आइए और जानते हैं दोस्तों अणु, अणु के बारे में लिखवा है कि अणु किसे कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। किसी पदार्थ का वो छोटे से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण विद्यमान हो और जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सके उसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थ की संख्या निश्चित नहीं हुई है, इसलिए अणु क्या होता है, वो मतलब कि छोटे छोटे कण सभी निश्चित नहीं हुआ है कि कौन सा पदार्थ किस नस्ल का है, किस युग का है, तो वो अणु की संख्या अभी तक निश्चित नहीं किया गया है। तो अणु अभी क्या कहते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे अणु कहते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं परमाणु, परमाणु के बारे में मैंने लिखवा दिया कि परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु अपने छोटे से छोटे कण तथा परमाणु से बना होता है। किसी पदार्थ का वो छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं से भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके और स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान न रह सके उसे परमाणु कहते हैं।